एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडी चैट्स। मैं हूं आपकी होस्ट काश्वी। और गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं नॉर्थ इंडिया की बहुत ही बढ़िया डिश, जो है दाल मखनी। बहुत सारा मक्खन पाके, तो चलिए चलते हैं किचन में और देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो गाइस, दाल मखनी के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे मैंने 1.5 कप काली उड़द की दाल ली है, 1/2 कप राजमा लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पे मसूर की दाल भी ली है, और इन सभी को मैंने 6 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पानी में। आप चाहें तो इसको रात भर भी पानी में सोख करके रख सकते हैं, इससे और अच्छे से गल जाएंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे करीब 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिनको मैंने प्यूरे कर लिया है। करीब 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिनको मैंने फाइनली चॉप करके रखा हुआ है। 30 ग्राम्स के आसपास मैंने यहाँ बटर लिया है। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर रहा हूँ फ्राई करने में, आप चाहें तो इसे अवॉइड करके बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे करीब 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल भी लिया है। करीब 2 से 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, और करीब 1.5 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे हमारी दाल मखनी में गाइस बहुत बढ़िया कलर आएगा। 1 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है। गाइस, जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसे अब हम अच्छे से हाथ से इस तरीके से रगड़ के पानी में ही धो लेंगे। इससे गाइस जो इसका जो स्टार्च होता है दाल का, ये बहुत अच्छे से रिलीज होता है और दाल हमारी थिक बनती है। तो अब हम यहाँ कुकर में अपनी दाल को हमने यहाँ उबलने रख दी थे। इसमें आप करीब दाल जितना लेवल है उससे 2 इंच के आसपास पानी ऊपर दिखना चाहिए, इतना पानी आप इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से गल जाएगी। अब इसको हमें कुकर का ढक्कन बंद करके करीब 6 से 7 सीटी देनी है। करीब 3 सीटी के बाद आप गाइस इसकी फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर बाकी की सीटी उसमें मीडियम फ्लेम पे ही आने दीजिएगा, इससे अच्छे से पकेगी। तो गाइस, जब तक हमारी ये दाल पकती है तब तक हम एक पैन लेते हैं नॉनस्टिक, और इसमें अपनी मसाले की ग्रेवी की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन हीट कर लिया है, और अब इसमें ये हमारा जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम कुछ थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड करेंगे गाइस। तो इसमें जाएगा गाइस 1 से करीब 2 तेज पत्ते, कुछ 3 से 4 लौंग, और 2 खड़ी लाल मिर्च। इसको हम धीमी धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। देखिए गाइस, हमारे यहाँ मसाले हल्के हल्के भून गए हैं। तो अब इसमें अब हम जो हमारी प्याज हमने रखी है फाइनली चॉप करके, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, और प्याज को अब हमको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है। इसको हल्का हल्का हम स्टर करते हुए अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम ज़्यादा तेज करके नहीं भूनना है, इसे हम अच्छे से धीरे धीरे भूनते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हम इसको भी भून लेंगे। अब ये देखिए गाइस, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तो इसमें हमारी जो टमाटर की प्यूरी थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसे अब करीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं गाइस, सो दैट हमारे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। हमने थोड़ा सा जो नमक है वो दाल उबलने में भी डाला है, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। अब इसको एक अच्छा सा स्टर देते हैं और इसे पकने देते हैं। ये 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। इसको लिड से कवर करके अब पकने देते हैं हम गाइस। अब ये देखिए गाइस, हमारी दाल जो है वो बढ़िया से बॉईल हो गई है। इसको अब आप थोड़ा सा स्पून से ही अच्छे से थोड़ा सा मैश कर दीजिए, सो दैट कि इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़िया हो जाएगी, और ये थोड़ी सी दाल मैश होकर के अच्छी थिक हो जाती है। ये देखिए, अब हमारा मसाला भी यहाँ पे भुन चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो हम इसमें अब ऐड कर लेते हैं। तो इसमें अब जाएगा हमारा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी,
डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे हमारा कलर आएगा ग्रेवी में। इसको बढ़िया तरीके से मिलाते हुए इसको हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा अब हम पानी ऐड कर देते हैं सो दैट हमारे मसाले अच्छे से भुनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से स्टर करते जाइए। अब आप देखिए ऑलमोस्ट हमारा मसाला हो चुका है, इसमें तेल भी देखने लगा है। तो यहाँ पे हम अपनी जो दाल थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। दाल ऐड करते करते आप इसको हल्का हल्का स्टर करें। खूब बढ़िया से स्टर करना है हमको गाइस, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब गाइस जब आप दाल को स्टर करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, हमको जो हमारा स्पैचुला है उसको अब हमें इसे उठाना नहीं है, और इसको इसी तरीके से धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में मिलाते हुए पकाना है। इसे स्टर करते जाएं और इसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे आप कुक होने दें। ये करीबन 5 से 7 मिनट तक हमको इसको इसी तरीके से कुक करना है। इससे जो उसका स्टार्च होगा वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से रिलीज होगा, और ये दाल हमारी बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी की आएगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में गाइस। ये देखिए ना, बढ़िया तरीके से हमारी दाल मखनी पक गई है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छी आ रही है। ये इसी तरीके से इसको ये स्पैचुला पे थोड़ा सा स्टिक होना चाहिए, तो थोड़ी देर और स्टर करेंगे। और ये हो गई है ऑलमोस्ट फाइनल। अब इसमें हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो है मक्खन, अब वो इसमें जाएगा। मक्खन डालने के बाद इसको हम फिर से थोड़ा स्टर करते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे करीब 1/2 कप के आसपास फ्रेश क्रीम। क्रीम से इसमें बहुत बढ़िया रिचनेस आएगी, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी दाल मखनी बनके रेडी होगी। इसको थोड़ा सा और स्टर करेंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है गाइस। अब ये अब इसको देखिए हमारा कितना बढ़िया ये दाल मखनी दिख रही है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी स्टिकी बनी है। मैं इसको आपको डिश में ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस हमारी दाल मखनी कितनी बढ़िया रेडी हुई है, प्लीज गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।